आज मैं क्लास 8 के लिए मैथ्स में क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में मैं आज सिर्फ क्यूब के बारे में बताऊंगा, क्यूब रूट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे सॉल्व करने का तरीका, सॉल्विंग मेथड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट है डायरेक्ट मल्टीपल मेथड। डायरेक्ट मल्टीपल मेथड यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे किसी भी नंबर का पावर यदि 3 होता है, ठीक है, तो उसे क्यूब पढ़ा जाता है। जैसे स्क्वायर में किसी भी नंबर का पावर 2 हो तो उसे स्क्वायर पढ़ा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्यूब में किसी भी नंबर का पावर 3 होता है तो उसका मतलब क्यूब पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल में 6 का पावर 3 यानी कि 6 का क्यूब यहाँ पर फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मल्टीपल में क्या करेंगे, उसे 6 का पावर 3 यानी कि 3 बार उसे लिख करके मल्टीपल के फॉर्म में और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6 × 6। तो ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। उसी फॉर्म में ये डेसिमल का है, डेसिमल नंबर का है, इसे भी उसी फॉर्म में करेंगे। सेकेंड है मेथड आपका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड को थोड़ा सा समझना, समझिए, मैं आराम से बता रहा हूँ, इसको डीपली समझिएगा। शॉर्टकट मेथड में हम लोग एल्जेब्रिक एक फॉर्मूला होता है, उसका यहाँ पर हम लोग शो करेंगे a+b, है ना, a+b का क्यूब ऑल क्यूब होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। इसी फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से यूज करना है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बॉक्स के फॉर्म में प्लस को हटा करके बॉक्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है उसी के नीचे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग को यहाँ पर 23 का क्यूब फाइंड करना है, तो 23 का यहाँ पर क्यूब फाइंड करना है तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा जो बी के फॉर्म में लेंगे, और इसका टेंस पैलेस का जो होगा, ठीक है, वो 2 होगा जो ए के फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे किस फॉर्म में, यहाँ पर मैंने डिब्बे के जैसा जो बनाया है, डिब्बा में जो लिखा है उसी फॉर्म में यहाँ भी मैंने लिख लिया है, ए क्यूब 3a² b 3ab² और यहाँ पर बी क्यूब। तो यहाँ पर b के फॉर्म में कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 को यहाँ पर मैं लिखा हूँ b के फॉर्म में 3 का क्यूब। फिर उसी फॉर्म जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी फॉर्म में मैंने सजा दिया है सारे नंबर को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने सब सारा सजा करके लिख दिया है, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 यहाँ पर लिख दिया, ये सारे को मल्टीपल करके मैंने लिख दिया 54 आया, ये सारे को मैंने मल्टीपल करके लिख दिया 36 आया, और यहाँ पर 2 का क्यूब किया यहाँ पर 8 आया। अब इसको लिखने का तरीका, 23 का क्यूब कैसे मैं फाइंड करता हूँ, तो पहले यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 27 था, 27 का यूनिक डिजिट को मैंने यहाँ पर 7 लिखा, बच गया इसमें क्या 2। तो नेक्स्ट जो बॉक्स है 54, उसमें मैंने ये जो बचा हुआ नंबर है इसको मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 56 आ गया। तो 56 का जो यूनिक डिजिट है फिर मैंने उसे यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, तो अब इसमें बचा क्या 56, यहाँ पर देखिएगा 54 + 2 56 था, तो इसको मैंने लिखा, बच गया मेरा यहाँ पर 5। तो जो नेक्स्ट नंबर जो बच गया उसे मैं इसे जोड़ दूंगा, ये हो गया 36 और 5 जो बचा हुआ नंबर था, तो ये हो गया 41। तो 41 में जो यूनिट डिजिट है 1 उसे मैंने लिख दिया, और ये जो बच गया आपका नंबर 4 इसे मैं नेक्स्ट नंबर में जोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 8 है, तो 8 में मैं ये 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसमें मैंने जोड़ने के बाद जो जितना आया सारा को मैंने उतार दिया। तो इस तरीके से आपका 23 का क्यूब जो है 12167 आ गया। यही है आपका शॉर्टकट मेथड। इसी के फॉर्म में आगे का जो क्वेश्चन आएगा, टास्क आएगा, उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने होमवर्क लिखा है फाइंड द क्यूब बाय डायरेक्ट मल्टीपल्स, ठीक है, और बाय शॉर्टकट मेथड, दो टाइप का मैंने यहाँ पर क्यूब फाइंड करने के लिए दिया है। इसे आपको कंप्लीट करना है क्यूब रूट, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।